हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेम ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। एंड आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि रहने वाला है ईडियम्स एंड फ्रेजेस से। बेसिकली जो एस्पिरेंट किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें इंग्लिश सेक्शन है तो उसमें ईडियम्स एंड फ्रेजेस एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। सो इस वीडियो से आप ज़रूर एंड तक बने रहिएगा सो दैट यू डोंट मिस ऑन टू एनी इम्पॉर्टेंट फ्रेज और ईडियम और एनी इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सो बेसिकली इस वीडियो में हम उन MCQs को डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं, या फिर ऐसे क्वेश्चंस जो कि बहुत रिपीटेडली या फ्रीक्वेंटली एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद आर फर्स्ट क्वेश्चन और आर फर्स्ट ईडियम। तो जो हमारा फर्स्ट ईडियम रहने वाला है वो रहेगा वंस इन अ ब्लू मून। आई होप काफ़ी एस्पिरेंट्स को ये पता होगा इसका आंसर, बिकॉज ये एक ऐसा फ्रेज है, ये एक ऐसा ईडियम है जो कि ये डे टू डे इंग्लिश में भी आजकल यूज़ होने लगा है। सो वी हैव फोर ऑप्शंस हियर: पीरियड ऑफ क्लैमिटी, अ रेयर इवेंट, अ वेरी हैप्पी नाइट, या फिर ओनली वंस अ मंथ। सो वंस इन अ ब्लू मंथ को होता है बहुत ही कम। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा अ रेयर इवेंट, मतलब बहुत ही कम। अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल, ही गोज टू जिम वंस इन अ ब्लू मून। वो लड़का जिम जाता है बहुत ही कम, कभी कभी, कभी कभी भी नहीं, बहुत ही ना के बराबर, इतना कम। सो वंस इन अ ब्लू मून मतलब कि बहुत ही कम कोई काम होना। नेक्स्ट ईडियम, अ रॉ डील। सो वी हैव फोर ऑप्शंस हियर: अनजस्ट ट्रीटमेंट, जस्ट ट्रीटमेंट, अनडिसाइडेड कॉन्ट्रैक्ट, या फिर फ्रेश डील। ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। अ रॉ डील का मतलब होता है अनजस्ट ट्रीटमेंट, मतलब किसी के साथ मतलब इक्वालिटी ना होना, या फिर सही ट्रीटमेंट नहीं होना, या फिर गलत ट्रीटमेंट होना, इसको हम बोलते हैं अ रॉ डील। जिनको नहीं पता होगा वो एस्पिरेंट्स को लगेगा कि शायद इसका अनडिसाइडेड कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड भी हो सकता है, बिकॉज डील है। सो हमें पता होना चाहिए अ रॉ डील का मतलब है अनजस्ट ट्रीटमेंट। जब किसी के साथ सही तरीके का व्यवहार नहीं हो रहा हो तो हम उसको बोलते हैं अ रॉ डील। सो हेयर आर करेक्ट आंसर विल बी दी ए ऑप्शन। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जॉन रियली गॉट अ रॉ डील एट दैट जॉब, मतलब जॉन को अपने उस जॉब में अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिला। नेक्स्ट, डेक्ड अप। डेक्ड अप, ये आजकल पिछले एक या दो सालों से ये फ्रेज बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है डे टू डे इंग्लिश लैंग्वेज में। अगेन आई एम होपिंग कि काफ़ी एस्पिरेंट्स को इसका आंसर पता होगा। सो अगेन वी हैव फोर ऑप्शंस हियर: सिंपल अपीयरेंस, डेकोरेटेड इन अ स्पेशल वे, ships roof, या फिर sides of a boat। so decked up का मतलब होता है किसी special occasion के लिए बहुत ही अच्छे से तैयार होना, बहुत ही अच्छे से ready होना, ठीक है। so जो यहाँ पे हमारा correct answer रहेगा वो रहेगा option B, that is decorated in a special way, मतलब अच्छे से ready होना। अब वो ready jewelry पहन के भी हो सकते हैं, makeup करके भी हो सकते हैं, स्पेशल कपड़े पहन के भी हो सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट इसका मतलब है तैयार होना। सो हेयर आर करेक्ट आंसर विल बी द बी ऑप्शन, दैट इज़ डेकोरेटेड इन अ स्पेशल वे। एग्जाम्पल, आई एम ऑल डेक्ड अप टू गो टू द पार्टी, मतलब मैं बिल्कुल रेडी हूँ, मैं बिल्कुल तैयार हो चुकी हूँ, रेडी हूँ पार्टी में जाने के लिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेज़ है, ये है टू गो टू द डॉग्स। पहले एग्ज़ाम में ये आ चुका है, पूछा जा चुका है, इसलिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो अगेन वी हैव फोर ऑप्शंस हियर: टू सर्वाइव, टू बी रियूइंड, टू बी सरप्राइज्ड, या फिर टू डाई। सो टू गो टू द डॉग्स का जो फ्रेज़ का मतलब है वो है टू बी रियूइंड। अब रियूइंड का मतलब होता है बर्बाद होना, ठीक है। सो कोई भी चीज़ या फिर कोई भी व्यक्ति जो बर्बाद हो जाए तो उसको हम बोलते हैं टू गो टू द डॉग्स, या फिर रियूइन होना। अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आर फेवरेट रेस्टोरेंट हैज़ गोन टू द
डॉग्स, मतलब जो हमारा फेवरेट रेस्टोरेंट था वो बिल्कुल बर्बाद हो चुका है अब. सो द रेस्टोरेंट हैज़ गॉन टू द डॉग्स का ये मतलब नहीं है कि डॉग्स आ गए उसमें या डॉग्स को खाना दे दिया वहाँ का. यहाँ पे यही मतलब है कि वो बर्बाद हो चुका है. अब रेस्टोरेंट की जगह कोई इंसान के लिए भी हो सकता है ये वर्ड, दिस फ्रेज यूज़. नेक्स्ट पुल स्ट्रिंग्स. नेक्स्ट जो फ्रेज है ये है हमारा पुल स्ट्रिंग्स. ये आपने भी देखा होगा एग्जाम्स में पूछा गया है पहले भी. सो इसका क्या मतलब है? अबॉर्ट वंस प्लान्स. अबॉर्ट वंस प्लान्स का मतलब किसी के भी प्लान को मतलब ख़राब कर देना, कैंसिल कर देना. डिसकरेज. टेक आउट थ्रेड्स, मतलब धागे निकालना. स्ट्रिंग्स है तो क्या पता धागों से भी रिलेटेड हो सकता है. या फिर यूज़ वंस इन्फ्लुएंस टू गेट समथिंग डन, मतलब किसी का इन्फ्लुएंस यूज़ करना किसी भी चीज़ को, कार्य को पूरा करवाने के लिए. मतलब अगर आपकी किसी से जान पहचान है, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव. सो अगर आपकी किसी से जान पहचान है, कोई अच्छी पोजीशन पे है, तो आप उसका प्रभाव डलवा रहे हो किसी कार्य, किसी काम को पूरा करने के लिए, उसे हम बोलते हैं इन्फ्लुएंस. सो जो पुल स्ट्रिंग्स का मतलब है वो है डी ऑप्शन, यूज़ वंस इन्फ्लुएंस टू गेट समथिंग डन, मतलब किसी पहुंच वाले व्यक्ति या फिर इंसान का किसी भी चीज़ पर प्रभाव या फिर दबाव डलवाना कोई कार्य, किसी काम को पूरा करवाने के लिए. सो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. पैट वॉज ऑफिशियली इंटरव्यूड फॉर द जॉब, बट ही ऑल्सो हैड इज अंकल पुलिंग स्ट्रिंग्स बिहाइंड द सीन्स. मतलब पैट ने बिल्कुल अच्छे से ऑफिशियली इंटरव्यू उसने दिया, बट जो उसके अंकल थे वो उसके स्ट्रिंग्स पीछे से पुल कर रहे थे. मतलब क्या है स्ट्रिंग्स पुल कर रहे थे? मतलब जो इंटरव्यू लोग ले रहे थे उनका, उनके ऊपर बिल्कुल प्रभाव था पैट के अंकल का, क्योंकि मे बी वो बहुत शक्तिशाली हो, बहुत अच्छी उनकी पोजिशन हो. ठीक है. सो हेयर द करेक्ट आंसर विल बी द डी ऑप्शन. नेक्स्ट टू कूल वंस हील्स. ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया है एग्जाम में पहले. सिक्स्थ टू कूल वंस हील्स. अब इसके भी हमें चार ऑप्शंस दिए गए हैं. टू रेस्ट फॉर सम टाइम, टू रिमेन इन अ कंफर्टेबल पोजिशन, टू बी केप्ट वेटिंग फॉर सम टाइम, या फिर टू गिव नो इम्पॉर्टेंस टू समवन. काफ़ी ही मिलते जुलते हैं ये एक दूसरे से ऑप्शंस. सो टू कूल वंस हील्स का मतलब है कि टू बी केप्ट वेटिंग फॉर सम टाइम, मतलब आप किसी की वेट कर रहे हो थोड़ी देर के लिए, या फिर कोई आपकी व्यक्ति वेट कर रहा है कि थोड़ी देर के लिए. सो बेसिकली ये इंतज़ार से रिलेटेड है. अगर आप या फिर कोई भी व्यक्ति किसी का इंतज़ार कर रहा है, मीन्स ही इज़ कूलिंग हिज हील्स. इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. द डॉक्टर केप्ट हर कूलिंग हर हील्स फॉर ऑलमोस्ट एन आवर, मतलब डॉक्टर ने उसको एक घंटा कम से कम वेट कराया. तो वेट कराने को अगर जो हम फ्रेज में यूज़ करना चाहें तो हम ये फ्रेज यूज़ कर सकते हैं, टू कूल वंस हील. सो हेयर आर करेक्ट आंसर विल बी द सी ऑप्शन. आगे बढ़ने से पहले लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, बिकॉज योर कॉमेंट्स ऑलवेज यू नो मोटिवेट मी टू मेक मोर एंड बेटर वीडियोज. मोर ओवर अगर ये सिर्फ idiom phrases, कुछ important idiom phrases आज मैं discuss कर रही हूँ जो frequently exam में पूछे जाते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं A to Z में सारे ही idiom phrases करवाऊँ, तो आप मुझे comment section में बता सकते हैं. मैं वैसे ही next series में वैसे ही लाऊँगी, जितने भी idiom phrases A alphabet से start होते हैं, पहले हम वो करेंगे, फिर हम B से करेंगे, फिर हम C से करेंगे. हर एक वीडियो में मैं कोशिश करूँगी एक alphabet को मैं पूरा ख़त्म कर लूँ. सो अगर आप चाहते हैं मैं कुछ ऐसी सी वीडियोस लाऊं, बिकॉज इसमें इस तरीके से हम सारे ही idioms एंड phrases जितने भी हैं इंग्लिश ग्रामर में हम ऐसे कवर कर लेंगे. सो आप अगर वैसे भी चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. अगर आपको ऐसी ही वीडियो अच्छी लगी है जिसमें हम इम्पॉर्टेंट फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस डिस्कस करें, आप ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. एंड यस, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है ज़रूर लाइक करिएगा. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट 7th idiom एंड फ्रेज. वी हैव अ डाइम अ डजन. इसका क्या मतलब है? हार्ड टू गेट, रेयरली सीन, ईजिली सीन, या फिर ईजिली टू गेट. अ डाइम अ डजन मतलब ईजिली टू गेट, कोई भी एक ऐसी चीज़
जिसे हम इजीली प्राप्त कर सके, जिसे हम इजीली पा सके, ले सके, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। बुक्स लाइक दिस आर अ डाइम अ डजन, मतलब इस ये जो बुक्स हैं इस तरीके की, ये बहुत ही इजीली मिल जाती है मार्केट में या कहीं भी। सो डाइम अ डजन का याद रखना, एग्जाम में एक नहीं बहुत बार ये पूछा गया है। डाइम अ डजन मतलब इजीली टू गेट। नेक्स्ट, अ पीस ऑफ केक, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉमन टू यूज इन डे टू डे लैंग्वेज। अ पीस ऑफ केक का क्या मतलब है? टास्क विच इज इजीली अकम्पलिश्ड, टास्क विच इज हार्ड टू अकम्पलिश, स्मॉल साइज, स्मॉल स्लाइस ऑफ एनीथिंग या फिर नन। अ पीस ऑफ केक का मतलब होता है काफ़ी ईजिली काम करना, या फिर कोई भी काम अगर ईजिली हो जाए तो उसको हम बोलते हैं अ पीस ऑफ केक। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, दैट इज टास्क विच इज ईजिली अकम्पलिश्ड, कोई भी ऐसा काम या फिर टास्क जो ईजिली पूरा हो जाए। अब एग्जाम्पल देखते हैं। द एग्ज़ाम वॉज अ पीस ऑफ केक, मतलब जो एग्ज़ाम था वो बहुत ईजी था पास होना उस एग्ज़ाम में, ठीक है, मतलब एग्ज़ाम बहुत ईजी था। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी दी ए ऑप्शन। नेक्स्ट, एन आयरन हैंड, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, बार बार, एक बार नहीं बहुत बार ये वाला फ्रेज रिपीट हुआ है, एन आयरन हैंड। मतलब क्या है इसका देखते हैं। एक्सपीरियंस्ड हैंड मतलब एक्सपीरियंस्ड पर्सन, बाय फोर्स अ स्ट्रॉन्ग पर्सन या फिर अ वीक पर्सन। सो जो आयरन हैंड का मतलब होता है वो होता है बाय फोर्स, मतलब अगर हम फोर्सफुली किसी से कोई काम करवाए। जिसको इसका नहीं आंसर पता होगा, ज़्यादातर एस्पिरेंट्स को लगेगा, ज़्यादा से लोगों को लगेगा एन आयरन हैंड का मतलब होता है एक्सपीरियंस्ड पर्सन, तो ऐसा नहीं है। एन आयरन हैंड का मतलब होता है कोई काम ज़बरदस्ती करवाना, मतलब बाय फोर्स करवाना। सो करेक्ट आंसर इज़ द बी ऑप्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही रूल्स द टाउन विद एन आयरन हैंड, मतलब वो जो अपना टाउन है वो उसे रूल करता है फोर्सफुली, मतलब लोगों से फोर्सफुली काम करवाता है, डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पे इंडिया की तरह, ठीक है। नेक्स्ट, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा गया है। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का क्या मतलब है? अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, अ हैप्पी पर्सन, अ वीक पर्सन और एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन। सो मैन ऑफ स्ट्रॉ का जो मतलब होता है वो होता है वीक पर्सन। अब वीक, हम इसको स्ट्रॉ है, स्ट्रॉ क्या होता है, जिससे हम कोई लिक्विड इनटेक करते हैं, और सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो कहीं पहले ज़माने में पाइप भी बोला करते थे, जो हम फ्रूटी या किसी जूस में डाल के पीते थे, बट ऐसा नहीं है। स्ट्रॉ का मतलब यहाँ पे वीक पर्सन है, बट वीक पर्सन का यहाँ पे ये मतलब नहीं होगा कि वो पतला है तो इसलिए वीक पर्सन। यहाँ पे जो वीक पर्सन का मतलब है वो है कि वो डिसीजंस नहीं ले सकता स्ट्रांगली, या फिर वो किसी का स्टैंड या फिर अपना स्टैंड नहीं ले सकता स्ट्रांगली। सो दैट पर्सन इज कॉल्ड वीक बिकॉज ऑफ दीज मैनी रीजन्स एंड नॉट बिकॉज वो लीन या फिर पतला है। सो अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का जो मतलब है वो है ऑप्शन नंबर सी। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज एक्यूज्ड बाय हिज ओपोनेंट्स ऑफ बींग अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, मतलब जो उसके ओपोनेंट्स थे, जो उसके खिलाफ खड़े हुए थे, वो उनका ये मानना था कि वो एक मैन ऑफ स्ट्रॉ था, मतलब कि वो एक वीक पर्सन था। अब वो वीक पर्सन क्या था? फॉर सो मेनी रीजंस, वो ढंग से अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख पा रहा होगा, या फिर वो ढंग से डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहा होगा, ना कि वो बहुत पतला था। ओके, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट वन, बाइट योर टंग। बाइट योर टंग का क्या मतलब है? टू डिले हैविंग आर्ग्यूमेंट, टू स्पीक अ लॉट या फिर टू अवॉइड टॉकिंग। सो बाइट योर टंग का मतलब है टू अवॉइड टॉकिंग, मतलब किसी से बात करना जब कोई नहीं चाहता, या फिर कोई किसी से बात करने के लिए अवॉइड कर रहा हो, तो उसको हम बोलते हैं बाइट योर टंग। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्टेड टू टेल हिम एग्जैक्टली वॉट आई थॉट ऑफ हिम, बट आई हैड टू बाइट माई टंग, मतलब मैं उसे बताना चाहती थी कि मैं उसके बारे में क्या सोचती हूँ, बट आई बिट माई टंग, या फिर मैंने अपनी टंग, मतलब आई बिट माई टंग यहाँ पे क्या मतलब हो जाएगा, मैं उसे बताना चाहती थी कि मैं उसके बारे में क्या सोचती हूँ, बट मैंने नहीं बताया, आई अवॉइड टॉकिंग, मैंने चुप रहने में ही समझदारी समझी।
सो बाइट योर टंग का मतलब अवॉइड टॉकिंग. कॉट अ टार्टर, नेक्स्ट वन इज कॉट अ टार्टर. क्या मतलब है इसका? डीलिंग विद एन एक्सपर्ट, फोर्स्ड टू लीव समथिंग, डीलिंग विद अ ट्रबलसम पर्सन या फिर वेस्टिंग टाइम. सो कॉट अ टार्टर का जो मतलब है वो है डीलिंग विद सम ट्रबलसम पर्सन. मतलब हम एक ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हैं जो कि बहुत, मतलब जिससे डील करना ईजी नहीं है, या तो वो बहुत स्टर्बन है, बहुत ज़िद्दी है, ऐसा कोई व्यक्ति, ठीक है, या फिर जो ईजीली हार ना माने, जिसको समझाना बहुत मुश्किल है. ट्रबल, ट्रबल का मतलब क्या होता है? ट्रबल का मतलब मुश्किल, ठीक है, कोई मुश्किल व्यक्ति. अब मुश्किल कोई व्यक्ति बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकता है. अब हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. व्हाइल फाइटिंग विद द इंडियन आर्मी द एनिमी रियलाइज्ड दैट दे हैड कॉट अ टार्टर. बहुत अच्छा एग्जांपल है. जब हमारे ओपोनेंट्स इंडियन आर्मी से लड़ रहे थे, उन ओपोनेंट्स को समझ में आ गया कि वो बहुत मुश्किल बंदों से लड़ रहे हैं. अब मुश्किल बंदे फॉर सो मेनी रीजंस हो सकते हैं कि ईजिली हार नहीं मान रही इंडियन आर्मी, या फिर उन्हें हराना ईजी नहीं है. सो बेसिकली कॉट अ टार्टर का यही मतलब होता है, किसी मुश्किल व्यक्ति से पाला पड़ना. नेक्स्ट, अगेंस्ट द क्लॉक. बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है अगेंस्ट द क्लॉक का क्या मतलब है. वेरी स्लो, शॉर्ट ऑफ टाइम, अहेड ऑफ टाइम, या फिर नन. अगेंस्ट द क्लॉक का मतलब है शॉर्ट ऑफ टाइम. जब कोई काम आप बहुत जल्दबाजी में करते हैं, क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है. सो अगेंस्ट द क्लॉक का मतलब होता है टाइम कम रहना, या फिर आपके पास टाइम कम होना. अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं. दे वर वर्किंग अगेंस्ट द टाइम टू स्टे ऑन स्केड्यूल, या फिर टू स्टे ऑन शेड्यूल. ठीक है, बोथ आर करेक्ट, स्केड्यूल शेड्यूल दोनों ही ठीक है. सो दे वर वर्किंग अगेंस्ट टाइम टू स्टे ऑन स्केड्यूल, मतलब वो बहुत ही कम टाइम पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे. क्यों? क्योंकि वो जो उनका स्केड्यूल है उसको वो उसके हिसाब से वो आगे भी कंटिन्यू कर सके, वो लेट ना रहे. सो अगेंस्ट द क्लॉक मतलब शॉर्ट ऑफ टाइम, टाइम की कमी. नेक्स्ट, टू च्यू समवन आउट. टू च्यू समवन आउट का क्या मतलब है? टू जज समवन, टू लिसन केयरफुली, टू बोर समवन, या फिर टू स्कोल्ड समवन. सो टू च्यू समवन आउट का मतलब है किसी को डांटना, ठीक है. सो हेयर आर करेक्ट आंसर विल बी द डी ऑप्शन, दैट इज टू स्कोल्ड समवन. स्कोल्ड की इंग्लिश, स्कोल्ड की हिंदी होती है डांटना. स्कोल्ड एक इंग्लिश वर्ड है. सो स्कोल्ड की हिंदी ही होती है डांटना. सो जो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा डी ऑप्शन. अब एग्जाम्पल देखते हैं. द कोच च्यूड हिज टीम आउट फॉर प्लेइंग सो बैडली. मतलब जो कोच था उसने अपनी टीम को च्यू किया. अब च्यू का मतलब ये नहीं है कि चबा लिया, मतलब उन्होंने उसको च्यू किया फॉर प्लेइंग सो बैडली. उन्होंने उनको बहुत डांटा कि उन्होंने अच्छा प्ले नहीं किया, इसीलिए. नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार आया है ये, अ ब्रोकन रीड. अगेन वी हैव फोर ऑप्शंस, रेयर, फ्यूटाइल एफर्ट्स. फ्यूटाइल मतलब यूजलेस एफर्ट्स, अनरिलायबल, या फिर अ सडन ग्रेट शॉक. सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा अनरिलायबल. अनरिलायबल मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि विश्वास करने लायक ना हो, या फिर अविश्वसनीय है, जिस पे ट्रस्ट ना करा जा सके, उसे हम बोलते हैं अनरिलायबल. फॉर एग्जाम्पल, आई हैड काउंटेड हर टू हेल्प बट शी टर्नड आउट टू बी अ ब्रोकन रीड. मतलब मेरे को लगा था, मैंने विश्वास किया था कि वो मेरी हेल्प करेगी या करेगा मेरे काम आने पे, बट जब मैंने उससे हेल्प मांगी, ही टर्नड आउट टू बी अ ब्रोकन रीड. मतलब वो विश्वास करने लायक ही नहीं रहा. जब काम आने पे मैंने उससे हेल्प मांगी तो उसने मुझे उससे अपना मुंह ही मोड़ लिया. मतलब उसने मेरी हेल्प करी नहीं, वो एकदम मतलब ही कुड नॉट बी ट्रस्टेड, वो विश्वास करने लायक ही नहीं है.
ठीक है. सो अनरिलायबल एक ऐसा व्यक्ति होता है जिस पे हम विश्वास ना कर सके, जो हमें काम आने पर कभी भी भाग सकता है, ऐसे व्यक्ति को हम अनरिलायबल बोलते हैं. बस इस वीडियो में इतना ही था. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन. मोर ओवर प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसी लगी. अगर आप चाहते हैं ऐसी और वीडियोज़ के साथ मैं आती रहूँ देन प्लीज़ डू लेट मी नो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. हैव अ ग्रेट ग्रेट डे.